अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट को बहुत पसंद किया। तो मुझे बहुत से कमेंट्स रिसीव हुए हैं जिसमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पीवीसी कैप के बजाय हम बॉटल कैप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं पीवीसी कैप्स के बजाय बॉटल कैप्स यूज़ करके बताऊँगी, और किसी को वॉल्व्स का मसला आ रहा है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो आज मैं अपनी वीडियो में सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो आज की वीडियो में हमें तकरीबन तमाम वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बस पीवीसी कैप्स के बजाय हम आज बॉटल कैप्स यूज़ करें। हमें चाहिए 2 आईवी सेट जो आराम से मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं, और 2 बड़े बलून्स और 2 छोटे बलून्स, फॉर्मिंग बॉल, टेप, इलेक्ट्रिक टेप और बॉटल कैप्स। सबसे पहले हम वॉल्व बनाएंगे, उसके लिए हमें एक बॉटल कैप चाहिए और ड्रिप पाइप। इस बॉटल कैप में हम 2 होल करेंगे, एक होल हम सेंटर में करेंगे और वो होल एग्जैक्ट ड्रिप पाइप के साइज़ का होगा, और दूसरा होल हम उसके साइड पे करेंगे। ड्रिप पाइप को सेंटर वाले होल से पास करेंगे और इसके ऊपर स्मॉल बलून लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका है, सबसे पहले आप बलून का कॉलर कट करेंगे, उसके बाद आप 1.5 सेंटीमीटर बलून कट कर लेंगे और इसे ड्रिप पाइप पे लगाएंगे। लेकिन इसे लगाने का तरीका ही सबसे अहम है। बलून लगाकर हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड करके इस पर टेप लगा देंगे। जब हम इसको सक करते हैं तो ये सुकड़ता है, जब ब्लो करते हैं तो ये फैलता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम 1 इंच का ड्रिप पाइप लेंगे और उस पर बलून लगाएंगे। बलून लगाने का तरीका सेम वही होगा, इसको हम ड्रिप पाइप पे लगाएंगे, इसको हम इस तरह से पकड़ के फोल्ड करके इस पर टेप लगाएंगे। जब हम इसको सक करेंगे अंदर की तरफ सुकड़ेगा, और ब्लो करेंगे तो बाहर की तरफ फैलेगा। ये जो दूसरा वॉल्व है ये हम बॉटल कैप के बाहर की तरफ लगाएंगे। बॉटल कैप पे 2 वॉल्व लगेंगे, एक का रुख अंदर की तरफ होगा और एक का रुख बाहर की तरफ होगा। बाहर वाले वॉल्व पे हम ड्रिप चैम्बर लगाएंगे। ड्रिप चैम्बर लगाने से पहले हम इसको हाफ कट कर लेंगे। इस तरह से हम ड्रिप चैम्बर को ग्लू गन की मदद से लगा देंगे। ड्रिप चैम्बर को हम थोड़ा दबा कर लगाएंगे ताकि वो बॉटल कैप के ऊपर ही रहे। हमारा वॉल्व सिस्टम अब रेडी है, अब हम इसको बॉल पे लगाएंगे। ये फॉर्मिंग बॉल है, इसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे। बॉल्व को हम बॉल पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे होल कर लेंगे ताकि हमारा बॉल इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। मैं इस पर सोल्डिंग आयरन की मदद से होल करूँगी, आप किसी भी चीज़ से इसमें होल कर सकते हैं। एक सेंटीमीटर के बराबर मैंने इसके अंदर होल कर दिया है, आप किसी भी चीज़ से इसके अंदर आराम से होल कर सकते हैं। अब ये वॉल्व वाला हिस्सा इस होल के अंदर चला जाएगा। इस बॉटल कैप को मैं एलपी या ग्लू गन की मदद से इस पर अटैच कर दूंगी। नेक्स्ट हम बड़ा बलून लेंगे और इस पर चढ़ा देंगे, लेकिन चढ़ाने से पहले हम इसमें हवा भर के निकाल देंगे ताकि हमें चढ़ाते हुए कोई मुश्किल ना हो। अब इसमें डालने के लिए मुझे अपने मेंबर की हेल्प चाहिए होगी, तो उमर सानी मेरी हेल्प करें। नेक्स्ट हम इस पर धागा बांध देंगे ताकि ये एयर टाइट हो जाए। हमारा वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट का एक साइड तैयार हो चुकी है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी तैयार कर लेंगे और इन दोनों पार्ट को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। हमारा वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट रेडी है, और इसको हमने टेप से कवर कर दिया है। टेप से कवर करने की वजह यह है कि अगर हम टेप से कवर नहीं करते, इसको हम प्रेस करते तो बलून फट सकता था, जिस वजह से हमने इसको टेप से कवर कर दिया है। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। जो वॉल्व अंदर की साइड पर है वो पानी को सक करेगा जैसा कि ये, और जो वॉल्व बाहर की साइड पर है वो पानी को थ्रो करेगा।
हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पंप करते रहेंगे, उस वक्त तक पंप करेंगे जब तक ये जो फॉर्म है इसके अंदर पानी फिलना हो जाए। आपने इसको पंप करते हुए एक बात का ख्याल रखना है, जब हम इसको प्रेस कर लेंगे तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना जब तक ये पानी वापस नहीं आ जाता। जैसे अभी मैं प्रेस कर रही हूँ और थोड़ा सा रेस्ट दूँगी इसको ताकि जो पानी है वो वापस आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।